भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद शुक्रवार की सुबह निधन हो गया। वो 70 वर्ष के थे। बीते एक महीने से लखनऊ के एक निजी अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि अतुल अंजान ने अपना राजनीतिक सफ़र 1977 में शुरू किया। वो सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। वो सबसे प्रतिभाशाली और सक्रिय कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे, जिन्होंने समाज में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई। अतुल कुमार अंजान 20 साल की उम्र में नेशनल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। छात्रों की चिंताओं को उठाने के लिए लोकप्रिय अंजान ने लगातार 4 बार लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष पद चुनाव भी जीता। अतुल कुमार एक प्रभावशाली वक्ता थे। उन्हें लगभग आधा दर्जन भाषाओं का ज्ञान था। अंजान किसानों और श्रमिकों के हितों में बहुत काम किया करते थे। इसी सादगी के दम पर उन्होंने समाज में बहुत इज्जत कमाई। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान हासिल किया। किसानों और श्रमिकों के हितों के प्रति सीपीआई नेता की दृढ़ प्रतिबद्धता ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से व्यापक प्रशंसा और सम्मान प्राप्त किया। एक समय अपने व्यक्तित्व कौशल के लिए जाने जाने वाले तेज तर्रार छात्र नेता ने राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अतुल कुमार अंजान को एक्स पर एक पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, अतुल कुमार अंजान के निधन से मैं स्तब्ध हूँ और वो एक बहादुर समर्पित लोक सेवक थे। उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।